दोस्तों, आज तक हमने हमारी चैनल पर कई सारे एक्सीडेंट्स देखे, जिनमें कार एक्सीडेंट्स, बाइक एक्सीडेंट्स, ट्रक और बस एक्सीडेंट भी शामिल थे। और ऐसे वीडियोस बनाने का मेरा बस एक ही मोटिव है कि इसे देखकर आप ऐसी गलती ना करें। सो आप सभी से मेरी बस एक ही विनती है कि रोड पर चलते वक्त इस गलतियों को मत दोहराना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो केम छो बका। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्रीवियस वीडियो पर कमेंट्स करने वाले प्रथमेश मोर, संध्या तिवारी, देवध योद्धा, अनूप मेहता, कार्बन वेम्पायर और जगदीश खारवी, इन सभी का दिल से थैंक यू, जिसने हमारी चैनल पर कमेंट्स कर हमारा हौसला बढ़ाया। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपके नाम के साथ आपकी कमेंट्स दिखाई जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से कोई अच्छी सी कमेंट कर दीजिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप महिंद्रा थार के साथ हुआ ये इंसिडेंट देखिए, जो दो दिन पहले ही एक यूट्यूबर के थार के साथ हुआ था। दोस्तों, हमें ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर कार की हैंड ब्रेक एंगेज की हुई होगी तो गाड़ी आगे या पीछे नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कई बार जब गाड़ी की हैंड ब्रेक लगाई हुई होती है, फिर भी गाड़ी को गियर में डालते ही कोई भी कार आगे चलने लगती है, खास करके ऑटोमेटिक कार्स। जैसे कि यहाँ पर थार के साथ हुआ ये इंसिडेंट कुछ इसी वजह से हुआ था। दोस्तों, आपने माय कंट्री माय राइड यूट्यूब चैनल का नाम तो सुना ही होगा, जो कार रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और ये इंसिडेंट उसी के थार के साथ हुआ था, और इस इंसिडेंट को उसने अपनी चैनल पर भी शेयर करा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब वो अपनी महिंद्रा थार लेकर के अपने घर के बाहर खड़े थे, तो सामने दूसरी कोई कार रोड ब्लॉक करके खड़ी हुई होने के कारण वो अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन छोड़कर ही गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हुआ यूं कि गाड़ी के अंदर एक 2 साल का छोटा बच्चा बैठा हुआ था, जो गलती से गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल देता है। हालांकि गाड़ी की हैंड ब्रेक भी एंगेज की हुई थी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी रुकती नहीं है। माय कंट्री माय राइड चैनल वाले वो भैया भी गाड़ी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से वो थार आगे खड़ी दूसरी गाड़ियों से टकरा जाती है। तो इसीलिए जब भी कोई छोटा बच्चा अकेले कार के अंदर बैठा हो, तो गाड़ी का इग्निशन ऑन छोड़कर बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, आज से 5 या 7 साल पहले ड्रोन खरीदना काफी मुश्किल और महंगा भी था, लेकिन आजकल हर कोई ड्रोन लिए फिरता है। ड्रोन से ली गई फुटेज हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी ड्रोन फुटेज रिकॉर्ड करते वक्त कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में आप खुद को या दूसरों को मुसीबत में डाल सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में लेह टू मनाली रोड पर कुछ लोग कार में बैठकर चलती कार का वीडियो ड्रोन से शूट कर रहे थे। अब यहाँ पर होता यह है कि जब वो कार वाले वीडियो बनाने के चक्कर में रोड पर स्लोली चल रहे होते, तभी उसी के पीछे एक बोलेरो कैंपर ट्रक भी आ रहा था। आगे चल रही उस कार को देखकर वो बोलेरो वाला अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि वो रुकने की बजाय आउट ऑफ कंट्रोल होकर के रोड पर इधर उधर डोलने लगती है और आखिर में पलट जाती है। यहाँ पर यह हादसा सिर्फ और सिर्फ ड्रोन से वीडियो बनाने के चक्कर में हुआ। सो प्लीज, ट्रैफिक वाले रोड पर ऐसी बेवकूफी ना करें। फिर भी दोस्तों, इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है वो कमेंट करके जरूर कहें। अब ये वाला इंसिडेंट हुंडई क्रेटा के साथ में हुआ था, जब ओनर अपनी गाड़ी को रिवर्स लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी गलती से गाड़ी ड्राइव मोड में चली जाती है। दोस्तों, कई लोग ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के आदि होते हैं, ऐसे में अगर कभी उनके हाथ में मैनुअल कार दी जाए तो उसे ड्राइव करने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, गाड़ी चला रहा वो बंदा ऑटोमेटिक कार चलाने का आदि था, जिनसे वो कंफ्यूज हो जाता है कि रिवर्स गियर कैसे डालते हैं। ऐसे में वो गलती से फर्स्ट गियर डाल देता है और गाड़ी आगे की ओर चलने लगती है। गाड़ी चला रहा वो बंदा कुछ भी करता है, उनसे पहले गाड़ी के जस्ट आगे ही एक ग्राउंड फ्लोर था, जहाँ पर ये हुंडई क्रेटा आकर के मुंह के बल गिर जाती है। थोड़ी बहुत जानकारी के मुताबिक गाड़ी चला रहे उस बंदे को तो मामूली चोट ही आई, लेकिन गाड़ी के बम्पर और बोनेट को काफी डैमेज आया। अब ये वाली वीडियो किसी साउथ इंडियन शादी के वक्त की है, जिसमें एंट्री करते वक्त दूल्हे की कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अगली दोनों वीडियो क्लिप देखने के बाद आप ना ही तो बाइक स्टंट करोगे और ना ही तो स्टंट करने वाले किसी भी दोस्तों की बाइक के पीछे बैठोगे।
सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।